प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना में परमात्मा आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप उनकी बात सुनते हैं। ध्यान न करना ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति केवल अपनी कहे जा रहा है और दूसरे की सुन ही नहीं रहा, तो वो जो मानता है उसे वही सच लगता है, मगर वो पूर्ण सच कभी नहीं होता। इसी वजह से जरूरी है कि हम रोज कुछ पल ध्यान में जरूर बैठें। जितना हम ध्यान में बैठेंगे उतना हमारा विवेक ज्ञान बढ़ेगा और हम ज़्यादा बेहतर सोच सकेंगे, अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ध्यान। एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, कमर सीधी रखें, हथेलियों को अपनी गोद में रख लें और अब एक लंबी गहरी सांस भरें और इसे शरीर में रोक लें। अब धीरे से सांस को मुंह से बाहर छोड़ते जाइए और कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस भरिए और इसे अंदर ही रोक लीजिए और सांस छोड़ते हुए अपने पैरों को, हथेलियों को, कमर को बिल्कुल ढीला कर दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस भरिए और इसे शरीर में कुछ पल रोकने के बाद अब सांस छोड़ते हुए अपने भावों को, माथे को, गर्दन को, पेट को, हर शरीर के हिस्से को ढीला करते जाएं और वो जहाँ भी है उसे वहीं पिघलने दें, शांत होने दें। अपने मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। किसी भी तरह का तनाव कंधों में हो तो उसे ढीला छोड़ दें। अब सांस निरंतर लेते जाएं। ऐसा क्या आज आप जानना चाहेंगे जिससे आपका जीवन सुखमय हो, खुशहाल हो, तो आज उसी विचार को अपने अंदर रखें और धीरे धीरे देखेंगे आप कि नए नए समाधान कुदरत आप तक अपने आप पहुंचाने लगेगी। नए नए विचार इस तरह से आएंगे जो आप में शांति और संपूर्णता का एहसास पैदा करेंगे। सांस निरंतर लेते जाएं और शरीर को शांत करते जाएं। अब अपना ध्यान अपने ऊपर, अपनी उन आदतों पर ले जाएं जिसकी वजह से आप बहुत ही खुश हैं। ऐसी क्या आदतें, ऐसी क्या कला आपके अंदर है जो सिर्फ और सिर्फ आप में है और वो आपको गर्व महसूस करवाती है। अपने अच्छाइयों को कुछ पल देखें और निरंतर याद करें। बचपन से लेकर आज तक ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसके लिए समाज ने आपको सदा सराहा है, आपके रिश्तेदारों ने सदा आपको और चाहा है उसकी वजह से। उन वाक्यों को, उन दृश्यों को अपने जहन में आने दें। याद करें कि कितनी अच्छी कला या आदत आपके अंदर मौजूद है और उसे जानने के बाद, उसे महसूस करने के बाद उसको धन्यवाद दें कि किस तरह इसने हमेशा आपको प्रोत्साहन दिलवाया है, प्रेम दिलवाया है। और इसी से हम अब अपने अंदर एक नया आत्मविश्वास जगाएंगे। जिस तरह कुदरत ने आपको ये कला, ये आदत दी है, उसी तरह से आज हम कुदरत से दरख्वास्त करेंगे कि हमें और नई ऐसी विचारधाराएं और ऐसे समाधान प्राप्त करवाएं जिससे आपका जीवन सिर्फ और सिर्फ खुशहाली की तरफ चले, शांति की तरफ चले और प्रेम से भर जाए। एक मन सी मुस्कान अपने चेहरे पर आने दें। देखें कि आपका पूरा शरीर अब आपका साथ देने के लिए तैयार है। आपका मन इस ध्यान करने की वजह से एकाग्र हो चुका है।
जिस दिशा में भी अब आप कदम रखना चाहेंगे, आपका शरीर और मन आपका साथ दे सकेगा, आपका दिमाग आपका साथ दे सकेगा, क्योंकि आप खुद को पूरी तरह से शांत और एकाग्र करना सीख गए हैं। इस भावना को अपने अंदर बसने दीजिए, एक नई उमंग अपने अंदर जगने दीजिए। देखिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी धीरे धीरे अपने आप सीधी होती जा रही है और एक ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के निचले भाग से धीरे धीरे आपके दिमाग की तरफ चलती जा रही है, जैसे पूरे शरीर को उजागर करते जा रही है। आपका दिमाग, आपका शरीर और मन अब एक हो चुका है। आप पूरी तरह से उत्साहित हो सकते हैं कि अब हर कदम पर आप अपने लिए एक खूबसूरत जीवन रच सकते हैं। इस खुशी को अपने अंदर समाते जाएं और देखिए कि किस तरह से उज्ज्वलित है आपका अगला दिन, अगला साल, अगला महीना। अपने भविष्य को इस ऊर्जा से भरने दीजिए। कितनी खुशी और कितना उत्साह आपके अंदर आ चुका है, आपका जीवन किस तरह से सफल हो चुका है, उसे महसूस कीजिए। अपने अंदर इस भाव को पूरी तरह से समाने दीजिए और अब कुछ पल हम इस स्थिति में बिताएंगे, जिससे कि हमारा शरीर, मन और दिमाग इसे हमेशा के लिए याद रखे और हमारा हर दिन हमारे खुशहाल जीवन के लिए एक सीढ़ी बने। अब धीरे धीरे अपना ध्यान हम अपने शरीर में वापस लाएंगे। देखिए कि आपका पूरा शरीर जागृत हो चुका है, शरीर और मन पूरी तरह से शांत हो चुका है, एक संतुलन बन चुका है आपके शरीर और मन में। अब धीरे से हम अपनी दोनों हथेलियाँ आपस में रगड़ेंगे और इन्हें आँखों पे रखते हुए अपनी आँखें अब खोलिए। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, एक खुशहाल जीवन में आपका स्वागत है।